विकास के पथ पर तेजी से बढ़ते और बदलते भारत की शिक्षा व्यवस्था भी नई ऊंचाई को छू रही है। पिछले 9 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण के तहत मल्टी डिसिप्लिनरी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया जा रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का हाथ थामे IIT इंदौर प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को साकार कर रहा है। ये युवा संस्थान NEP 2020 के अनुरूप इंटर डिसिप्लिनरी करिकुलम और प्रोग्राम पर जोर देकर देश भर के प्रतिभाशाली यंग माइंड्स को प्रशिक्षित कर 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए तैयार कर रहा है। आज जो काम कर रहे हैं उनको फ्यूचर के लिए ही सोचना होगा और व्यवस्थाएं फ्यूचर के लिए विकसित करनी होगी। 1238 करोड़ रुपए की लागत से बना ये कैंपस लगभग 501 एकड़ क्षेत्र में स्थित है। संस्थान कैच द रेन जल शक्ति अभियान के अनुरूप प्रकृति का भी पूरा ध्यान रखता है। यहाँ की एकेडमिक बिल्डिंग्स जिन्हें पॉड्स कहा जाता है वो लगभग 44,000 स्क्वायर मीटर में फैले हुए हैं। कैंपस में छात्रों को मेकर स्पेस लैब और टिंकरर्स लैब के अलावा कई सुविधाएं मिल रही हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी IIT इंदौर के शैक्षणिक परिसर का मानवता की सेवा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास हेतु कर रहे हैं उद्घाटन। साथ ही संस्थान के तीसरे चरण के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और PM अजय योजना के तहत स्टूडेंट्स हॉस्टल का कर रहे हैं शिलान्यास।